हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शावेद और आप देख रहे हैं रेट्रो शावेद, यादों के रूहानी किस्से। दोस्तों, हमें इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट आई मलाटी प्रधान जी की। इन्होंने कहा कि वहीदा रहमान जी पर कोई वीडियो बनाइए। वहीदा रहमान जी का जन्म हुआ 1938 को तमिलनाडु में। उनके फादर रहमान साहब एक पुलिस में एक ऊँची पोस्ट पर थे और रहमान साहब बड़े खुले ख्यालातों के थे। उन्होंने कभी अपने बच्चों पर कोई रोक टोक नहीं की। वहीदा रहमान को बचपन से दो ही शौक थे, एक तो वो डॉक्टर बनना चाहती थी और साथ ही साथ उनको भरतनाट्यम का भी बहुत शौक था। जब वहीदा रहमान 8 साल की हुई तब अचानक वो बहुत बीमार पड़ गईं। स्कूल में भी अक्सर क्लास में सो जाया करती थी। इसी के चलते इस बीमारी की वजह से उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ी और घर में ही रहना पड़ा। वहीदा घर में पूरे दिन अकेली रहती तो कुछ ना कुछ करती रहती थी। कभी शीशे के सामने अजीब अजीब से चेहरे बनाया करती थी, कभी अपने आप को घूम घूम कर शीशे में देखा करती थी। एक दिन उनके फादर रहमान साहब ने ये सब देख लिया तो उनसे पूछा कि तुम क्या कर रही हो, डॉक्टर तो तुम अब बन नहीं सकती, तो ज़िंदगी में आगे क्या करोगी। तब वहीदा जी ने कहा कि देखना बाबा, एक दिन मेरा फ़ोटो भी अखबार में ज़रूर छपेगा। मुझे लोगों को हंसाने और रुलाने का बहुत शौक़ है। रहमान साहब ने बेटी की बातों को इतना सीरियसली नहीं लिया और वो वहाँ से चले गए। इसी बीच वहीदा रहमान ने इस भरतनाट्यम की प्रैक्टिस को जारी रखा और वो साइड बाय साइड सीखती रहीं। जब वहीदा रहमान 13 साल की हुई तब उनके फादर को एक मैसेज मिला कि तमिलनाडु के CM सी राजागोपालाचारी तमिलनाडु आना चाहते हैं और वो वहाँ के लोकल स्टूडेंट का, लोकल बच्चों का कुछ टैलेंट देखना चाहते हैं। तब रहमान साहब थोड़े चिंता में आ गए। उन्होंने सोचा कि किसी बड़े टैलेंट को, किसी बड़े कलाकार को बुला लेते हैं, लेकिन उनके सीनियर ने कहा कि जैसा कि मैसेज हमें मिला है कि CM साहब लोकल टैलेंट को देखना चाहते हैं, तो तुम्हारी बिटिया है, उसको क्यों नहीं आप उनके सामने भरतनाट्यम के लिए कहते। रहमान साहब ने कहा कि वहीदा अभी छोटी है। तब उनके सीनियर ने कहा कि थोड़ा उसको प्रैक्टिस कर लेने दो, उसके बाद हम वहीदा का भरतनाट्यम का शो रखेंगे। इसी बीच जब CM साहब विशाखापट्टनम आए, जहां रहमान साहब की पोस्टिंग थी, शो ऑर्गेनाइज हुआ और वहां पर वहीदा रहमान ने पहली बार भरतनाट्यम पेश किया, जिसको देखकर सी राजागोपालाचारी बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि मैंने पहली बार किसी मुस्लिम लड़की को इतना अच्छा भरतनाट्यम करते हुए देखा है। तब रहमान साहब ने कहा कि मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं, लेकिन कला का कोई धर्म नहीं होता, कला सब धर्मों से अलग होती है। ये बात सुनकर CM साहब काफ़ी खुश हुए और उन्होंने वहीदा जी को एक मेडल भी दिया, प्राइज भी दिया और अगले ही दिन उनकी खबर एक न्यूज़पेपर में प्रिंट हुई वहीदा रहमान के फ़ोटो के साथ। तब वहीदा रहमान ने कहा कि देखा बाबा, मैंने कहा था ना आपसे कि एक दिन मेरा फ़ोटो अखबार में ज़रूर छपेगा। रहमान साहब ने जब बेटी की यह बात सुनी तो उनकी आंखें खुशी से छलक उठी। तो दोस्तों, यही था आज की वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना।